हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो आई थिंक वीडियो बनने के बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब से हम जावास्क्रिप्ट माइक्रो प्रोजेक्ट 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिक जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि बिगनर्स के लिए है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं ये एक रिकमेंड करके चला रहा हूँ कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, और उसके बाद आप इस सीरीज़ को फॉलो करके रखना। इसके अलावा जो हमारे करंट सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि रिएक्ट नेटिव के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अभी पेंडिंग के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है कि जावास्क्रिप्ट माइक्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट माइक्रो प्रोजेक्ट 2.0। बहुत ही जल्द हम सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो बनाएंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में लाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वीडियो से, और इस वाले वीडियो के अंदर हम पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि है रैंडम नंबर जनरेटर। बहुत ही सिंपल, कोई हाई स्किल प्रोजेक्ट नहीं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप टेलवाइन सेटअप को कर सकते हैं। जब भी आप HTML का यूज़ कर रहे हो तो टेलवाइन को सेटअप करना काफ़ी ईजी होता है। इनफैक्ट अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या चाहिए, कौन से कलर्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, आपके सामने एक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 01 01, लिख दो आपको जो मर्जी है। ओके, रैंडम नंबर जनरेटर, इट्स एनीथिंग। यहाँ पर सिंपल सी मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ओके, index.html, ओके, दैट्स इट। तो ये जो है बेसिक ओवरव्यू था। अब आप ये बोलोगे कि भाई अगर हम माइक्रो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो हमारे पास JS होना चाहिए, style.css होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें script.js भी होनी चाहिए। तो पहले ये समझो कि हम लोग जो हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से JS वर्क करता है HTML के अंदर, और उसके बाद उसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर स्विच होने वाले हैं तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं, पहले ट्राई कर लेते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करेगी। ओके, सो आई विल जस्ट गो विथ एक्सप्लेनेशन एंड प्रेस द एंटर, यू विल सी द होल कोड। मतलब कि आपको एक टेम्पलेट कोड मिल जाता है HTML के लिए, राइट? यस, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली इसको नाम दे देते हैं, राइट, रैंडम नंबर जनरेटर। सो RNG स्टैंड फॉर रैंडम नंबर जनरेटर। यू कैन जस्ट गिव एनी नेम विच एवर यू वॉन्टेड टू गो। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हम टेलवाइन को सेटअप करें तो एक फाइल है जो आपको बनानी पड़ सकती है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ outsider.tailwind.config.js। बिफोर दिस फाइल एक चीज़ याद रखना कि जब आप VS कोड का इस्तेमाल करो तो आपके पास एक एक्सटेंशन होना चाहिए जो कि टेलवाइन CSS इंटेलिजेंस। ये जो है ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने कोड के अंदर टेलवाइन का इस्तेमाल कर सको। टेलवाइन बेसिकली होता क्या है, टेलवाइन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो बूटस्ट्रैप की तरह काम करती है, जो आपको UI बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अंदर हम लोग सीखने वाले कि किस तरीके से टेलवाइन CSS वर्क करता है, क्या क्या क्लासेस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस लाइब्रेरी को, या फिर आप यूँ कह लो कि इस वाले चीज़ को इंस्टॉल करके अपने VS कोड के अंदर रखो। सेकेंडली, यहाँ पे जब आप tailwind.config.js फाइल बनाएंगे तो इसके अंदर भी आपको एक कोड डालना पड़ेगा। अब वो कोड क्या है बेसिकली, तो ये आप टेलवाइंड के जब आप वेबसाइट के ऊपर आओगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे नीचे इंस्टॉलेशन के अंदर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सी ये जो कॉन्फिग वाली फाइल है ना, उसको सिंपल से आप कॉपी कर लो, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर फाइल, कम बैक टू दिस वन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कम बैक कर रहा हूँ, ठीक है, बिट या लाइक दिस, तो कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। सिंपल सी आपने कॉपी पेस्ट कर दी फाइल, उसके बाद आप HTML के अंदर आओ, ठीक है। HTML के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे टेलवाइन को अप्लाई करने के लिए जाना, आपको वहीं पे टेलवाइन को HTML के अंदर एक लिंक देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो इन्होंने सेटअप बताया वो बेसिकली CLI के लिए, मतलब आप रिएक्ट वगैरह प्रोजेक्ट के ऊपर जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है प्लेन CDN, ये भी एक है, और ये आपके लिए बहुत ही इजी कर देता है सब कुछ। मतलब सिंपल से इस लाइन को कॉपी कर लो और वहाँ पे जाके पेस्ट कर लो। इसके अलावा एक और चीज़ है जहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे जा करके इसको कॉपी कर सकते हो, मतलब सिंपल से HTML फाइल के लिए जो आप बोलते हो। तो यहाँ पे प्लेन CDN के तो आई थिंक होना चाहिए था वो, वेट वेट वेट, आई थिंक नीचे है, हाँ ये वाला, ठीक है।
तो ये जो है ये बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे शिफ्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे बस मैंने इसको एंटर कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ सेव हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट के अंदर अब हम टेलीवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेलीवाइन का इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। डिव के अंदर आप क्लास ले लो, क्लास के अंदर ले लो कंटेनर। अब देखो जैसे अगर अगर आपको ये जो सजेशन है वो नहीं आ रहा है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि टेलवाइन कॉन्फिग की फाइल जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से सेटअप हो चुकी है नहीं। सिंपल सा यही कोड डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज़, ये टेलवाइन के सजेशन आपको तभी मिलते हैं जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाते हो, तब तो आपको ये सजेशन ऑब्वियसली मिलते हैं। ओके, सो ये चीज़ है। ओके, अब ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या बनाने वाले, तो हम लोग बनाने वाले एक रैंडम नंबर जनरेटर। तो मैं आपको एक ओवरव्यू के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम ये चीज़ बनाने वाले, ठीक है। ये इसका यूआई है, ये बेसिकली है, बेसिक एंड बहुत ही सिंपल सा यूआई है, ठीक है। इसके अंदर कोई अलग डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर हम चीज़ें थोड़ी बहुत से सीखेंगे। अब जैसे जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नंबर चेंज हो रहा है, तो इसमें तो कोई हार्ड चैलेंज तो आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बस हमें बैकग्राउंड देखना है, नंबर देखना है, और उसके बाद बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो चीज़ है वेट, ठीक है। तो अब इस वाले कोड को मैं यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग क्या बनाने वाले बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं क्लास के अंदर। तो पहला क्लास ये है कि हम जो है ना पूरी की पूरी हाइट एंड विड्थ को सेट करना चाहते हैं। तो ये समझो कि पूरी की पूरी स्क्रीन को, पूरी की पूरी विड्थ को आपको कंसिडर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हाइट एंड विड्थ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अपने टेलवाइन के अंदर जाऊँ, टेलवाइन डॉक्यूमेंटेशन की बात में कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये पूरी हाइट एंड विड्थ को उसने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं टेलवाइन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे हाइट देखने की, हाइट किस तरीके से एडजस्ट होती है। तो आप क्विक सर्च के ऊपर जाओगे तो आपको हाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हाइट 0 से लेके हाइट पिक्सल्स, हाइट 0.5 H, तो H का इस्तेमाल होता है हाइट के लिए। तो जैसे आप हाइट लिखोगे इसकी क्विक सर्च के अंदर, वो आपको सजेशन देता रहेगा कि किस तरीके से क्लासेस काम करते हैं। ये क्लास है और ये क्लासेस आप यूज़ कर सकते हो। ओके ब्रो, इट्स लाइक एच फुल 100%। तो एच फुल का मतलब होता है 100%। तो 100% ही तो हमको चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ एच फुल के लिए। ओके, अब जैसे हाइट को मैंने देख लिया कि भाई हाइट तो मुझे मिल गई 100%, बट व्हाट अबाउट द विड्थ, राइट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा विड्थ के लिए। विड्थ के अंदर अब यहाँ पे देखो आप कि ओके, सो विड्थ के लिए मुझे विड्थ भी फुल चाहिए। तो मुझे पूरा का पूरा जो विड्थ है वो पूरे के पूरे डायरेक्शन से मुझे फुल चाहिए। सो क्या ये विड्थ फुल अवेलेबल है, या इट्स एन अवेलेबल। ओके, सो मैं विड्थ फुल कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, विड्थ फुल हो गया, कंट्रोल एस, ठीक है। अब ये मुझे मेक श्योर करना है कि ये हुआ या नहीं। मैं गो लाइव सर्वो के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। गो लाइव सर्वो के ऊपर जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो आप, ओके, तो मुझे तो बेसिकली कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी हाइट को कंसिडर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉट एवर लाइक बैकग्राउंड कलर, तो मुझे बैकग्राउंड कलर सेटअप करना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखूंगा कि मुझे अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे जैसे मैं बैकग्राउंड कलर लिखा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। ओके, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं बीजी इनहेरिट, बीजी करंट, बीजी ट्रांसपेरेंट, बीजी ब्लैक, ओके, सो बैकग्राउंड कलर इस तरीके से सेटअप किया जाता है। तो मैं बीजी ब्लैक को सिलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी डैश ब्लैक। अब देखो कुछ लोगों के इसमें जो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये आ रहा है सजेशन, ओके। अगर कुछ लोगों के अंदर नहीं आता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाओ और ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो बीजी प्लस ब्लैक होने के बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और सेव होने के बाद मैं यहाँ पे चल के आरएनजी को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो ये तो नहीं हो रहा है। लेट्स सी, इंस्पेक्ट मोड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे तो मेरी बॉडी है, यहाँ पे तो मेरी हाइट एंड वेट है। तो देखो ये बोल रहा है कि हाइट एंड वेट पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, लेकिन क्यों भाई, क्यों ये मतलब मुझे ब्लैक कलर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जस्ट बिकॉज कि जो कंटेंट है उसके अंदर है ही नहीं। तो अगर मैं H1 ऐड करके लिख दो टेस्ट बैक आ जाऊँ, तो आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। सो बेसिकली ये बस उस हाइट एंड विड्थ को कंसिडर कर रहा है जो उसके अंदर कॉन्टेंट है, लेकिन मुझे इसके अलावा मुझे पूरी इसके पूरी स्क्रीन ही चाहिए ब्लैक में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फुल की जगह पे एक और क्लास मिलता है। अगर आपको पता होगा, अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको पता चले स्क्रीन। तो ये स्क्रीन बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आप इसके उसके ऊपर हावर ओवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाइट जो है वो 100, विड्थ
हाइट कंसिडर करिए, मतलब जितनी भी हाइट है 100 वाली, जितनी मुझे दिख रही है मेरे सामने, वो उसको पूरा कंसिडर कर लो। दूसरी है विड्थ, विड्थ भी 100% बोल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्क्रीन कर दूँ सेम चीज़, तो क्या ये होगा, ये पूरी तरीके से ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी तरीके से ब्लैक हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी स्क्रीन है हाइट्स लेकर ऊपर से नीचे नीचे तक पूरी पूरी स्क्रीन को ब्लैक कर दो। तो ये तो काफ़ी अमेजिंग है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें हाइट एंड वेट तो ठीक है भाई, लेकिन हमारा कलर तो कुछ और ही था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं? तो टेलवाइन के अंदर आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा कलर्स मिलते हैं। जैसे मैं येलो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो येलो के अंदर देखो आप शेड्स मिल रहे हैं आपको 100, 200, 300, 400, तो आपको जितना भी शेड चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर क्या होगा, अगर मैं कस्टमाइज चाहता हूँ इस सभी चीज़ों को, मैं चाहता हूँ कि कस्टमाइजली सब कुछ बिल्ड हो, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है, राइट, कि मुझे हैश कोड का इस्तेमाल करना है। तो हैश कोड का इस्तेमाल करने के लिए क्या चीज़ है, तो अगर मैं अगर टेलवाइन सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चला जाऊँ, तो आई थिंक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा नीचे नीचे करूँ, बहुत ज़्यादा कलर्स है, ठीक है, कोई नहीं। तो स्काई 500 से लेके, तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इस तरीके से चीज़ें सेटअप कर सकते हो उस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, बट ठीक है, इट्स अनदर पार्ट ऑफ द कोड। यहाँ पे देखो आप, ये हैश कोड को सेटअप करने का एक अलग तरीका है, आर्बिट्री वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को सेट कर सकते हैं। अब जैसे जो कलर मैंने लिया है, मैं पर्सनली लिया है वो ये रहा, जो भी मेरे पास पहले से है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं इस वाले कोड को यहाँ पे सेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रेसेस, कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे पता चल जाए कि मैंने कौन सा कलर सेटअप किया है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ऑरेंज के ऊपर, देखो वो वाला पर्टिकुलरली कलर वहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हमारा बिल्कुल सही तरीके से सेट हो चुका है, तो अब हमें टेंशन की बात नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके, गॉट इट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, अभी मुझे जितना भी कॉन्टेंट है वो बिल्कुल बीच में चाहिए और थोड़ा अलग चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर से एक डिवीजन टैग ले लेते हैं। अब इस डिवीजन टैग के अंदर, इस वाले डिवीजन टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, एक सिंपल सा, अगर लेट्स सी डिज़ाइन क्या कहती है, डिज़ाइन ये कहती है कि पहले एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसके जो कि बैकग्राउंड कलर वाइट है, ऑब्वियसली रैंडम नंबर जनरेट, एक टेक्स्ट है, इसके अंदर एक नंबर भी है और एक जनरेट नंबर का बटन भी है। सो एक टेक्स्ट है, एक दूसरा टेक्स्ट है, और उसके बाद जनरेटर रैंडम नंबर है, लेकिन उसके पहले एक कंटेनर है। तो चलिए कंटेनर को आप बनाते हैं। तो इसको सिंपल से बनाने के लिए क्लास, यहाँ पे आप लोगों को कंटेनर, और आप तो आपको पता चल जाएगा बीजी, जैसे मैं बीजी वाइट लिख रहा हूँ तो बैकग्राउंड वाइट है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ पैडिंग, तो पैडिंग मैं लूँगा 5, ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो पैडिंग है, ठीक है, सेव कर लेते हैं इस चीज़ को, कंट्रोल एस, बैक टू द गेम। ओके ओके, सो दिस इज़ नॉट नाइस, राइट, वी डोंट वॉन्ट दैट। तो अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को थोड़ा सा देखते हैं कि किसके अंदर क्या है। तो ये जो है ये अपनी खुद की विड्थ लेके आ रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे अपनी विड्थ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ फ्लैक्स, ठीक है। तो फ्लैक्स आपको पता होगा एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, जो आप आइटम्स को अलाइन करने के लिए यूज़ करते हो। इसके अंदर जितने भी आइटम्स है वो मुझे फ्लैक्स कॉल चाहिए, सो इसका मतलब है कि फ्लैक्स कॉलम के अंदर चाहिए। सो फ्लैक्स कॉलम अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ, देखो देखो ये पूरा का पूरा कंसिडर कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं ये प्रॉपर्टी अलाउ करके वो पूरा का पूरा ही कंसिडर कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस इसको बीच में लेके आना है। तो बीच में लेके आने के लिए फ्लेक्स जो है वो प्रॉपर्टी मैं ऊपर की साइड पे दूंगा, मतलब अपर वाले कंटेनर के अंदर। अब जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स लिख रहा हूँ, आप देखो ठीक है ये तो गया इसके अंदर, लेकिन चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स डैश कॉल जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, तो उसको बोलते हैं जस्टिफाई सेंटर, ओके ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखूंगा मैं आइटम्स सेंटर। अब ये जो चार प्रॉपर्टीज़ है ना, फ्लैक्स फ्लैक्स कॉल जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, इसको अलाइन करने के बाद वो बिल्कुल बीच में आ जाता है, ठीक है। अगर आप आपको पता है सीएसएस के बारे में कि अगर आपको पूरा पूरा हाइट एंड विड्थ 100% सेटअप करके सब कुछ को बीच के लेके बीच में लेके आना है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ओके ओके, कम बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे सब कुछ बीच में आ चुका है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा टास्क बढ़ाना है। तो टास्क बढ़ाने का मेरा मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लेक्स कॉल लिख रहा हूँ, मतलब एक के बाद एक 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 कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग विच इज सेइंग दैट रैंडम नंबर जनरेटर, ओके, सो आई वुड से रैंडम नंबर जनरेटर कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेटर आ चुका है,
ठीक है, अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे चलते हैं। इसके अलावा एक और पैडिंग दे देते हैं जहाँ पे हमारा एक नंबर है, और एक और जो है वो है डिवीजन टैग। ठीक है, अब मैं आपको बटन भी बनाना सिखाऊंगा। हम डिज़ाइन के अंदर जो हमने बटन देखा वो थोड़ा अलग है, और ये बटन थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो हम खुद से बनाना सीखेंगे कि इस तरीके से इस बटन को बनाया जाता है, ताकि कुछ क्लासेस की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में आप पीछे नहीं हटोगे राइट इसके बाद। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कंट्रोलर्स। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो कुछ आ रहा है, लेकिन ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट, जनरेटर, तो मैं जनरेट लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात, नो बकवास, ओके गुड। लेकिन अब ये सब कुछ जो है मुझे बीच में चाहिए, मतलब रैंडम नंबर ठीक है, बट मुझे ये जीरो एंड जनरेट वो दोनों बीच में चाहिए। तो लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल राइट, ओके ये ऑप्शन पहले से ही है। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ जस्टिफाई सेंटर एंड देन आइटम्स सेंटर। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जस्टिफाई स्टार्ट ले लो, जस्टिफाई एंड ले लो, आइटम सेंटर ले लो, उन सबको आपको ट्राई करना, तो आप ट्राई कर सकते हो, यहीं पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप कि ये जो है हमारे सामने ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं क्लास लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉन्ट, और फॉन्ट को जो है मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, एकदम थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन अगर मैं फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट साइज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, ओके। सो फॉन्ट साइज़ के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, ओके। सो यहाँ पे क्लासेस है टेक्स्ट एक्सेस, टेक्स्ट एसएम, टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट एलजी, टेक्स्ट एक्सेल, ओ ओ ओके, 9 XL, 128 पिक्सल्स तक जा रहा है, ओके गॉट इट। बट क्या होगा, मुझे स्पेसिफिकली मुझे एलजी वेलजी नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक ही जाना है, मुझे 2 RAM या फिर 2 पिक्सल्स या फिर 20 पिक्सल्स ऐसा कुछ चाहिए। उस केस के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, उस केस के अंदर भी कुछ इस तरीके से ये ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन दी गई है, लेकिन चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ, ये वाले, ये चीज़ हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके गुड, चलो बैक टू दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 34 पिक्सल्स, ओके। सो इस तरीके से जो है मैंने 34 पिक्सल्स यहाँ पे दे दिया। वेट सेकंड, मैं भूल गया जस्ट जो जूम करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर। वो इट्स टू मच राइट, वी डोंट वांट दैट, सो वी कैन गो विद द 24। ना ना, इट्स लुक्स नाइस राइट, ओके। अब नीचे आते हैं, अब बिल्कुल जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है ना, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, बट इसका जो फॉन्ट होगा ना वो थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे, लाइक मीडियम लिखेंगे रखेंगे, और इसका जो टेक्स्ट होगा थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। सो लेट्स गो विद 30 पिक्सल्स। कंट्रोल एस, बैक टू द गेम, या नाउ इट्स लुक्स फाइन। अब आते हैं बटन के ऊपर, तो बटन को कैसे डिज़ाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। जितने भी अभी तक हमने चीज़ें यूज़ किया उनसे हम बटन जनरेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर। सो बैकग्राउंड का कलर तो मैं तो लूँगा लाइक जैसे हमने ब्लू का इस्तेमाल किया था, मैं ब्लू शेड लूँगा। टेक्स्ट में लूँगा वाइट, सो टेक्स्ट वाइट इज़ अनदर प्रॉपर्टी। अब टेक्स्ट बड़ा करने के लिए तो हम लोग पिक्सल्स के अंदर दे रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम। ठीक है, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट ग्रीन, जो भी आपको देना है, और जब कोट्स के अंदर आप हैशटैग डालोगे तो वो पर्टिकुलर कलर बदलेगा। ठीक है, तो वाइट, टेक्स्ट वाइट। उसके बाद मैं चाहूँगा हाँ राउंडेड के ऊपर। सो राउंडेड बेसिकली उन एजेस को राउंड कर लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर राउंडेड SM लिखूँ और थोड़ा सा शेडो दूँ इसके लिए, सो शेडो बैक कर दूँ, ये देखो। ठीक है, ये थोड़ा सा शेडो वेडो आ चुका है, लेकिन अभी भी जो है थोड़ा सा मिसिंग है, तो मैं पैडिंग 5 दे रहा हूँ। ओके, नाउ इट्स लुक्स डिसेंट, नॉट दैट मच ग्रेट बट इट्स डिसेंट। बट वॉट इफ आई टेल यू कि मैं अगर इसकी विड्थ को फुल कर दूँ, ओके नाउ इट्स लुक्स फाइन राइट, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। लेकिन मुझे जो है ना वो टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट सेंटर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बीच में आएगा या नहीं, आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे क्लासेस होते हैं टेलवाइन के अंदर जो हमेशा वो अपग्रेड करते रहते हैं, तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये अब भी है ये तब। ये बार बार आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद आप टेलवाइन को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। एक और चीज़, अगर आपने नोटिस किया होगा कि इन सब में से थोड़ा गैप होना चाहिए, तो उसके लिए आपको हर बार मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे आओ,
लिखो स्पेस एक्स, अगर आपको वर्टिकली जाना हो तो, हाइट के वाइज जाना हो तो स्पेस वाई, अगर मैं इसको 5 लिख दूँ, सेव कर दूँ, देखो इन सब के अंदर एक स्पेसिफिक गैप बन चुका है जो कि हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक है, अभी के लिए हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको राउंडेड और थोड़ा राउंडेड चाहिए तो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कर्सर की बात करूँ तो इसको तो बटन फील होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्सर पॉइंटर। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो ये यहाँ पे जा करके एक बटन की तरह बिहेव करेगा। और अगर मुझे इसको हावर ओवर करना है, एच ओवर मतलब कि इसके ऊपर जाने के बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो हावर ओवर के बाद एक कोलन प्रॉपर्टी आती है। हावर ओवर के बाद एक कोलन प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप लिख सकते हो कि मुझे इसके ऊपर जाने के बाद जो बीच का ब्लू कलर है उसको थोड़ा डार्क करना है या फिर थोड़ा फेंट करना है, कुछ भी, जैसे ये चीज़। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ओके, ऑन क्लिक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। ठीक है, आप एक्सप्लोर करके देखना, आपको बहुत सारा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा समय इसके चीज़ के लिए। अभी हम बस इसको लुकआउट करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, अब ये बन गया यूआई वाला पार्ट, राइट? ये तो पूरा का पूरा यूआई वाला पार्ट बन गया। अब आते हैं हमारी मेन चीज़ के ऊपर जो कि फंक्शनैलिटी। भाई फंक्शनैलिटी तो बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके, कम बैक टू द पॉइंट, फंक्शनैलिटी के ऊपर आते हैं। तो फंक्शनैलिटी तो हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे अगर बॉडी के अंदर लिखना तो आप लिखो, या फिर आप सिंपली स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लो और आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, स्क्रिप्ट टैग, अब ये चीज़ याद रखना कि HTML फाइल के अंदर भी आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे, मतलब कि अगर मैं बात करूँगी, लेट मी जस्ट क्लोज दिस टैग फर्स्ट एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके ओके, होप दिस इज नॉट गोइंग वेल। स्क्रिप्ट, ओके फाइनली, ओके। सो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बस हमें बटन को फंक्शनलिटी देनी है, इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहली जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जनरेट ए नंबर। ओके, सो ये एक जावास्क्रिप्ट का बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा आप एरो फंक्शंस बना सकते हो, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्चुअली बना सकते हो, बट हम जाएंगे डिसेंट जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये कॉल होगा। बट ये कॉल कब होगा, ये कॉल तब होगा जब हम एक बटन के ऊपर, मतलब जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, सो ठीक है, मुझे जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे वो रिजल्ट चाहिए, बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि वही बटन क्लिक हो रहा है, राइट? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है आईडी का। आईडी के अंदर हम लोग btn देंगे, मतलब एक नाम, स्पेसिफिक नाम देंगे। अब ये चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करती है कि अगर पर्टिकुलर आईडी के ऊपर कोई इवेंट हो रहा है तो वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम मैनिपुलेशंस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू नो वी कैन से बटन, राइट? वी कैन जस्ट गो विद द बटन, राइट? दैट्स इट। ओके, सो ये हो गया btn। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये तो आप, ये हो गया, तो अब इसके ऊपर क्लिक होने के बाद, इसके ऊपर क्लिक होने के बाद मैं एक फंक्शन रन करना चाहता हूँ जिसके जनरेटर जनरेटर नंबर, ठीक है, जनरेटर नंबर, व्हाटएवर यू कॉल। सो यहाँ पे डॉट लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा एड इवेंट लिसनर नाम से एक प्रॉपर्टी आती है। एड इवेंट लिसनर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कंसिडर करता है, उसमें से क्लिक्स है, लिसनर्स है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप यू नो ये नहीं कर पाओगे, देखो अबॉर्ट, एनिमेशन कैंसिल, एनिमेशन एंड, बट हमें फिलहाल के लिए सिर्फ क्लिक इवेंट चाहिए। जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक होता है, जैसे हमारा माउस जो है वो उस बटन के ऊपर जा करके क्लिक करता है, तो उस इवेंट के बाद हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो एक्शन क्या रही बेसिकली, तो यहाँ पे मैं बस एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट लॉक कर लेते हैं कि ये जो है वो क्लिक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लिक के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे चलते हैं कुछ इस तरीके से, कंसोल के अंदर मैं जाता हूँ, जनरेट, ओह यू कैन सी दिस दैट, क्लिक क्लिक टू क्लिक थ्री। ओके, सो मतलब जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो वो एक्शन परफॉर्म हो रही है। ओके ओके गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर जनरेट करके उसको प्रिंट करके प्रिंट करने की कोशिश करें यहीं पे। ठीक है, हमने एक डेडिकेटेड फंक्शन तो उसके लिए बनाया, लेकिन उसका इस्तेमाल हम थोड़े बाद में करेंगे। अब पहले यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, सुनो, अब यहाँ पे हम लोग एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। ठीक है, सो वी कैन से लॉग मैथ डॉट रैंडम। ओके, अब ये मैथ डॉट रैंडम जो है वो आपको कोई चीज़ रिटर्न करके देगा।
अब रिटर्न क्या कर कुछ भी हो सकता है, जैसे ये वाला एक नंबर है। ओके ओके, सो यहाँ पे जो है ना नंबर थोड़ा 0 पॉइंट से आ रहा है, मतलब मुझे 0 पॉइंट का कोई नंबर नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे यू नो आई कैन गो विद 0 पॉइंट नंबर, राइट। मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर चाहिए, लेट्स से, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, या फिर 1 से लेकर 1000 तक नंबर चाहिए, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे मिनिमम नंबर चाहिए 1, और लेट मैक्स इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो मुझे 1 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर चलेगा। तो उसके लिए मुझे अब यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे जो है एक नंबर चाहिए। तो ये जनरेटर नंबर जो है ना, ये उसको कॉल करके हम एक नंबर पिक कर लेंगे। अब कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पे इसके लिए, यहाँ पे इसके अंदर हमको एक मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पास करना पड़ेगा। अब ये हो गया, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर मैं पास कर रहा हूँ इसके अंदर, तो ऑब्वियसली ये अच्छे तरीके से काम करेगा। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर यहाँ पे मैं जब पास कर रहा हूँ, तो मुझे अगेन यहाँ पे एक नंबर जनरेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न। अब यहाँ से सीधा मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ, या फिर मैं लेट नम इज इक्वल्स टू रैंडम, ओ सॉरी इट्स मैथ्स डॉट रैंडम, राइट, मैथ्स डॉट रैंडम। अब जैसे वो 0 पॉइंट को कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा विथ मेरा जो मैक्स नंबर है उसको मेन नंबर से माइनस करके प्लस करूँगा 1 से, मतलब 0 की जो अगर वैल्यू आती है, तो उसके बाद उसको मेन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो है ना, ये अब मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा। देखते देखते, ठीक है रुको, अब यहाँ पे जो है ना मैं रिटर्न कर लेता हूँ नम, ठीक है, यहाँ पे मैंने उस चीज़ को रिटर्न कर लिया। अब यहाँ पे बेसिकली जो है ना कॉन्स्ट, एक डेडिकेटेड वेरिएबल कॉन्स्ट नम चलेगा चलेगा। अब ऐसा नहीं कि ये जो नम है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये उसके बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरेटर नंबर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक मेन वैल्यू पास करनी पड़ेगी, इसके अलावा एक मैक्स वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज, ये जस्ट एक फंक्शन है जो एक हमें नंबर रिटर्न कर रहा है, वो भी मिन एंड मैक्स स्ट्रेटजी के अनुसार। मतलब अगर 0.9 आता है तो ये मैक्स की कितनी वैल्यू है 1000, मिन की कितनी वैल्यू है 1, तो 999 आएगा, उसके बाद फिर से ये 1 होगा, फिर से इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मतलब 1000, मतलब ये उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 100 100 के आसपास बन जाएगी, ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे ये रिटर्न हो जाएगा तो ये रिटर्न यहाँ पे जाएगा नम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नम को करेंगे प्रिंट। ओप्स, ये गलती हो गई, सेव, बैक आ गए जनरेटर नंबर। ओ गाइस, कैन सी 18 फॉर 17, बट ये जो पॉइंट के अंदर आ रहा है ना, आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ्स डॉट फ्लोर नाम से एक फंक्शन होता है जो आपको अपर वैल्यू देता है, मतलब पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं लेता, जो वैल्यू पॉइंट की वैल्यू जैसे रिजेक्ट ही कर देता है। तो अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे बैक आ जाऊँ, जनरेट के ऊपर क्लिक करूँ, यू कैन सी 517, ओके 950, ओके 551844, ओके ओके ओके, सो आई गॉट द वैल्यूज, राइट। अब मुझे वैल्यूज मिल रही है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ शो करना है, मतलब ये जो हमारा 0 है यहाँ पे शो करना है भाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी, यहाँ पे मैं आईडी कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे नम, ओके। सो यहाँ पे जैसे मैंने नम लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, गेस इट, यस इट्स अ नम, ओके। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसके अंदर एक टेक्स्ट कंटेंट भी है। जैसे अगर नम जो है वो एक हमारा टेक्स्ट कंटेंट है जो कि एक पैराग्राफ टैग है, तो उसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट हम बदल सकते हैं। तो टेक्स्ट कंटेंट क्या रखेंगे यहाँ पे बेसिकली, कि जो नम है वो रखेंगे। सो ये कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नम, सेव इट, बैक टू दिस, जनरेट। ओह यू कैन सी, सो वी गॉट दैट, राइट, वी गॉट द रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ से तो हमने इसको बना लिया। अब आप ये कहोगे कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अगली नहीं लग रहा, मतलब जैसे हमें सबको पता है कि अगर जावास्क्रिप्ट की मेरी पुरानी सीरीज देखोगे, उसके अंदर हमने स्टाइल डॉट सी एस एस बनाई थी, स्क्रिप्ट डॉट जे एस बनाई थी, ये तो आपने पूरा का पूरा एक लाइन ये ही पे इसके अंदर क्लोज कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम डेडिकेटेड एक फाइल बना सकते हैं इसके अंदर? ऑब्वियसली हो सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेसिकली, जैसे यहाँ पर चलो आप स्क्रिप्ट डॉट जे एस,
ठीक है, ये बन गया, ये फाइल बन गई। अब यहाँ से जो है ना पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स यहाँ पे पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जैसे आप जाओगे ना तो आप उसको लिखना है src.slash script.js, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स यू वॉन्ट इट। अब ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चला भी जाऊँ, इसको रिफ्रेश भी कर लूँ, इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सो इट्स टोटली वर्किंग फाइन। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि इसको हमने थोड़ा सा ये किया। इसके अलावा जो ये जो क्लासेस बढ़ रही है, ठीक है, टेलवाइंड के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेजर चीज़ है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि आपको क्लासेस के अंदर जो है ये थोड़ा अगली लग, मतलब बहुत सारे डेवलपर की कंप्लेंट्स है अगली लगता है। आप सिंप्लिसिटी देखो ना इस चीज़ की, कितनी आसान सिंप्लिसिटी है। जैसे आप हाई लेवल प्रोडक्शन के कोड के ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पे जो है ना टेलवाइन को भी काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई करना सिखाते हैं। मतलब आप देखोगे ना कि किसी प्रोडक्शन रेडी कोड को तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे, लेकिन अभी के लिए आप टेलवाइन को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, इसके क्लासेस को अंडरस्टैंड कर लो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम टेलवाइन को और अच्छे से सीखेंगे, और अच्छे से उसको इन्हांस करने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से इसके डीप डाइव करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सीखने वाले हैं, ठीक है। एक ओके, तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर लेना। आपका जो भी क्वेश्चन आता है, जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको कमेंट आप लिखते हो, बहुत सारे प्यार हैं। और आप कोशिश करना कि वो आप इंस्टाग्राम पे पूछो, तो इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी अच्छी हेल्प कर लेता हूँ, थोड़ा एक्टिव लेता हूँ कि कंपनी के काम की वजह से थोड़ा एक्टिव वहाँ पे रहता हूँ। यूट्यूब के अंदर सिर्फ वीडियो अपलोडिंग का कंटेंट है, तो वीडियो अपलोड करने के लिए सिर्फ मैं वहाँ पे रहता हूँ, वीडियो क्रिएट करने के लिए तो यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना कि मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में आई थिंक इंस्टाग्राम के लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि फॉलो करो, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो फॉलो, लेकिन आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे हेल्प करने की पूरी कोशिश करना, इनफैक्ट अगर मेरी टीम में से कोई है तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। अगर इस कोड को आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आई थिंक यू कैन जस्ट पिक दैट वन। ओके, लेट्स सी।